मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कि मैंने जिंदगी में कभी कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, मगर फिर भी औलाद की तरफ से मुझे सुकून नहीं, ऐसा क्यों? अल्लाह तबारक व तआला जो तक्वा की मिसाल है ना, जैसे कहते हैं लाल तक्वा हासिल हो जाए, ये उम्मीद और खौफ के बीच की कैफियत कर रहा, ये जसारत है। मेरी बहन या भाई जिसने सवाल किया है, बहुत बड़ी जसारत है ये कहना कि मैंने बड़ा गुनाह नहीं। मेरे अब जैसे खतरनाक लोग तबारक तआला हमें हिदायत दे। अल्लाह तबारक तआला का एहसान अजीम है और नबी रहमत की उम्मत का कोई मामला है, वरना तो हमसे जो जो बातें सरसर हो जाती हैं, हमें मालूम ही नहीं कि हम कितने बड़े बड़े कबाइल गुनाह के शिकार हो जाते हैं, इस तरह मुनाफ़त जो है वो कर जाते हैं, अल्लाह को कब नाराज कर जाते हैं, अल्लाह के रसूल के फैसलों के खिलाफ जो है वो चले जाते हैं। और पुराने पाक बड़े वाज तौलों पर कहते हैं कि तुम जब तक निजात याफ्ता ही नहीं हो सकते, तब तक तुम कामयाब ही नहीं हो सकते, जब तक तुम मोमिन ही नहीं हो सकते, जब तक अल्लाह के रसूल का फैसला तुम्हारे फैसलों के ऊपर मुकदम ना हो जाए और तुम उससे दिल से राजी ना हो। हम तो बहुत सारी सुन्नत इसलिए नहीं करते कि मतलब लोग क्या कहेंगे, अच्छा मतलब है कि हम कर दिल से मानते ही नहीं उस चीज़ को, फिर हम अपने समझते हैं कि हमारे ये फैसले जो है वो ठीक है, जबकि अल्लाह के रसूल बहुत मान। और पुराने पाक बड़े वाज तौर पर ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल खुद से कुछ नहीं कह रहे, यानी अल्लाह के रसूल का जो भी फरमान है, जो भी जेस्चर है, वो सब का सब अल्लाह तबारक की तरफ से दिया है, वो खुद से कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं आपकी जुबान मुबारक पर वही अल्फाज होते हैं जो अल्लाह तबारक पहले आपके दिल के अंदर जो है वो डालते हैं। इसीलिए अतीउल्लाह अतीउर रसूल की बात करेंगे। दूसरी बात जो औलाद, ठीक है, अगर अभी हम सुकून की बात करते हैं तो कुरान पाक ने सुकून के लिए जो जो चीजें बताई हैं वो निकाह की हुरमत और निकाह के जो एक दूसरे का ख्याल है उसकी पामाली से अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते। इसी तरह घर, अगर हमने घर को घर नहीं बनाया ये सुकून का बाइस, मतलब हमने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए ताकि हमने तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया, तो अगर हमने अपने घरों को जाए सुकून नहीं बनाया, औलाद का सुख ना होना वाज़े तौर पर इशारा करता है कि आपकी घर के अंदर जो घर होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कसूर किसका, दायरे वालदैन का कसूर होगा इसका और दूसरे भी ऐसे लोग होंगे जो, लेकिन वो जो घर है वो जो जिस तरह दीन चाहता था उस घर को बनाना, वो घर वैसा नहीं बना पा रहे। इसी तरह रात हमने बनाई सुकून के लिए, हमारी रातें बेचैन है क्योंकि हम रातों को सोते ही नहीं है, हम टोटल एंटी टीचर अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं, वक्त की पाबंदी नहीं है, फजर और ईशा के वक्तों की पाबंदी हमारे यहाँ नहीं होती है, खाने की पाबंदियाँ नहीं होती है, हमारे मेहमान नवाजी हमारे दिल सुकड़ गए, हमारे घर बड़े हो गए, वो हम उस सुकून की जो जो बाइस है वो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। इसी तरह सुलह और दरगुजर, अपने मौके पर सही होना और माफ कर देना, उससे अल्लाह कहता है हम जो है वह आपको पहुंचा दें। हम लोगों के खैर खा नहीं है, हम लोगों के तुम्हारे कोई दोस्त नहीं, हम जब इतने ये वो सुकून की पॉइंट्स हैं जो कुरान पाक कह रहे हैं, और हमारी मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी पूरी की पूरी सिर्फ यही कह रही है कि अगर यही चीजें आपके अंदर है तो आपके अंदर सुकून ही सुकून होगा और आपका जहन, अगर ये चीजें नहीं है औलाद के सुकून के लिए जरूर नजर सानी करें, अपने उस जरूर उस सब जो है वो नजर सानी करें कि क्या कोताहियां हमसे हो गई जो जिसकी वजह से ये नतीजा हमारे सामने आया है, और फिर तौबा और इस्तग़फ़ार का रास्ता तैयार करना चाहिए।